हेलो डी स्टूडेंट्स टुडे वी हैव अ प्रॉब्लम फॉर आई आई टी जे ई मीनस ट्वेंटी जो जनवरी का सेवन जनवरी का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैट्रसेस एंड डिटर्मिनेंट्स सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ऑबवियसली बात है ए आई जे टाइप के होते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंडस ऑन ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री दे रखा है सिमिलरली मैट्रिक्स बी दे रखा है जिसका भी ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है तो दो मैट्रसेज हैं ए एंड बी और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं उनका कुछ रिलेशन ए के एलिमेंट्स के साथ दे रखा है ओके द डिटर्मिनट ऑफ बी इज़ एटी वन सो एटी वन दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू एंड यू नीड टू फाइंड द डिटर्मिनट ऑफ ए सो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए जिनको हम डिटर्मिनट का सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सो मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स आप बी की बात करें तो मैट्रिक्स बी इज़ समथिंग लाइक दिस बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री बी थ्री वन बी थ्री टू बी थ्री थ्री सो ये बच्चों मैट्रिक्स बी है सिमिलर लॉजिक पे आप मैट्रिक्स ए भी लिख सकते हो सिंस दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट्स वाई आम नाट राइटिंग हेयर सो लेट्स ट्राई टू फाइंड डिटर्मिनेट ऑफ बी तो बच्चों डिटर्मिनेट ऑफ बी होगा क्या डिटर्मिनेट बी होगा बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री बी थ्री वन बी थ्री टू बी थ्री थ्री तो बच्चों इस डिटर्मिनट की वैल्यू आपको एट्टी वन दे रखी है ठीक है उसका हम यूज़ बाद में करेंगे सबसे पहले तो B11 कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा तो B11 बच्चों यहाँ से क्या आएगा जब i और j की जगह आप 11 रखोगे तो B11 आपको मिलेगा थ्री रेश पावर वन प्लस वन माइनस टू मीन्स थ्री रेश पावर ज़ीरो ए वन वन सो थ्री रेश पावर ज़ीरो ए वन वन सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बी वन टू बी वन टू विल बी थ्री रेश पावर 1 plus 2 minus 2 that is 3 h power 1 a b 1 2 we are finding so it is a 2 1 because i j j i suffix reverse over so a 2 1 so b 1 2 will be 3 raise power 1 a 2 1 similarly if we will try to find b 1 3 it will give you 3 raise power two one plus three minus two दैट इज़ two a three one सो three डेज power two a three one सिमिलर लॉजिक पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो तो बी टू वन बच्चों आपका आ जाएगा थ्री डेज पावर वन ए वन टू सिमिलरली बी टू टू आपका आ जाएगा थ्री डेष पावर टू ए टू टू Three H power two A two two. Similarly, you can find B two three. It will be three raise power three A three two. Similarly, here it will be three H power two A one three. Since it is B three one, so A one three. So similarly, this you can find from here. Three H power three plus two five minus two. That is three. सो थ्री रेज पावर थ्री ए थ्री टू है तो यहाँ पे टू थ्री आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है आई जे ए जे आई है बी आई जे इज़ ए i आई डैट इज़ वाई एम राइटिंग हेयर सो बी थ्री थ्री विल बी वॉट बी थ्री थ्री विल बी थ्री रेस पावर फोर ए थ्री थ्री बच्चों सो आई होप यहाँ तक आप लोग फॉलो कर पाएँ अगर आप लोग फॉलो कर पाए हैं तो बच्चों इसकी वैल्यू आपको 81 दे रखी है मॉड ऑफ बी डिटर्मिनेट ऑफ बी इज़ गिवन 81 सो so बच्चों चलो इसी को हम सॉल्व करते हैं तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि रो टू से थ्री को आप बाहर निकाल सकते हो सिमिलरली रो थ्री से थ्री स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पर्टिकुलर रो से कोई कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो सो so, यहाँ से हम थ्री कॉमन ले रहे हैं एंड रो थ्री से मैं थ्री स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ सो इट विल बिकम थ्री रेश पावर जीरो ए वन वन थ्री रेश पावर वन ए टू वन थ्री पावर टू ए थ्री वन इट विल बी थ्री रेश पावर ज़ीरो बिकॉज थ्री एस पावर वन हमने कॉमन ले लिया सो ए वन टू थ्री एस पावर वन ए टू टू थ्री एस पावर टू बिकॉज हमने थ्री कॉमन ले लिया है तो ए थ्री टू दिस विल गिव यू थ्री एज पावर जीरो ए वन थ्री थ्री एस पावर वन ए टू थ्री थ्री रेस पावर टू ए थ्री थ्री दैट इज इक्वल्स टू एट्टी वन अगेन बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो थ्री एस पावर टू नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और ये डिवाइड हो जाएगा तो इट विल गिव यू थ्री हेयर हेयर यू आर गेटिंग थ्री एस पा ज़ीरो बाहर निकाल सकते हो थ्री एस पावर वन बाहर निकाल सकते हो थ्री एस पावर टू बाहर निकाल सकते हो फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ना यू कैन गेट ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री सो दिस इज़ वॉट बच्चों दिस इज़ एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए अच्छा यहाँ से देखो तो क्या है थ्री एच पावर टू दैट इज़ नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन दिस इज़ वन सो ट्वेंटी सेवन से यहाँ डिवाइड रहेगा तो इट विल भी वन अपॉन नाइन और बच्चों डिटर्मिनेंट की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है बिगनिंग में ही सबसे पहले यह प्रॉपर्टी बताई जाती है कि डिटरमिनेंट के रोज़ एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं सो so, अगर आप कॉलम्स को रोज़ बना देते हो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री तो बच्चों ये क्या है ये आपको लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए सो so, यहाँ से हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है वन बाय नाइन सो फ्रॉम ऑप्शन यू कैन सी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन बाय नाइन थैंक यू